आप देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और मैं हूं रोहित। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्टरी होगा, तो हम इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या परिचय उसका, कैसे स्टार्ट हुआ या फिर क्या इम्पोर्टेंस है इसका, हिस्ट्री का ही क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो स्टार्टिंग के टाइम से लेके 7.2 AD तक होगा, और जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है 712 AD से स्टार्ट होके औरंगजेब की मृत्यु तक 707 AD तक होगा, और जो आधुनिक भारतीय इतिहास होगा वो 707 AD से स्टार्ट होकर हमारी आजादी के समय तक 1947 AD तक होगा। और 1947 के बाद से अभी तक का जो इतिहास है वो अभी एक है, बट अभी हम यहां तक का बस इतिहास डिस्कस करेंगे। तो जो ये इतिहास है जिसको हम प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, तो हम इस पे ये बात करते हैं कि मतलब अभी हम ये स्टार्ट करेंगे कि इसका महत्व क्या है, इतिहास का ही क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम करते क्यों है। तो इतिहास का अध्ययन जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम के बच्चे कह सकते हैं कि हम सिलेबस है इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, पर क्या इतिहास क्या सिलेबस में आने के लिए लिखा गया था इतिहास, या फिर इतिहास का अध्ययन इतिहासकारों ने इसीलिए किया? नहीं। और आम आदमी के लिए इस इतिहास का क्या महत्व है, वो क्यों अध्ययन करे इतिहास का? तो आज की समस्याओं को जानने के लिए, हमारे वर्तमान को समझने के लिए, हमको अपने भूतकाल की जानकारी होना आवश्यक है, और एक अच्छे अतीत का निर्माण, अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए भी हमें इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता है कि जो समाज में हमारे पूर्वजों ने जो विकास किया और विकास के साथ साथ जो कुसंगतियां आ गई हैं हमारे समाज में, वो उनके द्वारा की गई पूर्व में गलतियों के कारण ही आज हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं जो हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलप हो रही है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, किसी भी देश में, किसी भी संप्रदाय में, हर तरह, हर जगह ये प्रॉब्लम बनी हुई है, ये विकास के साथ पैरेलली चल रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, इसकी जड़ें कहां तक गहरी हैं, इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन आवश्यक है। और जैसे कि आप एक सिंपल उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि बात उठती है रिजर्वेशन कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाए लोगों को, सब कहते हैं जरूरी नहीं है, ये वो ऐसा, एक विशेष वर्ग क्यों बनाया ही गया, ये विशेष वर्ग कैसे बना? तो बस जो संविधान के अनुच्छेद 16 में हमें अधिकार मिला हुआ है, मतलब राज्य को एक संविधान अधिकार देता है कि किसी विशेष वर्ग के उत्थान के लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो ये विशेष वर्ग आया कहां से, ये कैसे उत्पन्न हुआ विशेष वर्ग, इसी को जानने के लिए कि कोई विशेष वर्ग है क्यों, उसे आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, कोई क्यों कमजोर है, इसको जानने के लिए हमें इतिहास की आवश्यकता है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो कमजोर कैसे हुआ, वो नीचे कैसे बैठ गया, मतलब वो इतना नीचे कैसे चला गया कि आज हमें उसे आरक्षण देना पड़ रहा है ऊपर उठाने के लिए। तो इसके लिए हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज आधुनिक सभ्यता में मानव आदि मानव से आज सुपर ह्यूमन बन गया है, एक क्या कहते हैं, विकास के पथ पर इतना अग्रणी हो रहा है, तो ये एक दिन में तो हो नहीं गया होगा, ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है, ये धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ये विकास कब स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ, सभ्यता कैसे विकसित हुई, किसने विकसित की, और सभ्य कैसे हुआ मानव, जो मानव जंगलों में रहता था, शिकार करता था और सिर्फ वनोपज पे आश्रित था, वो मानव आज इतना आधुनिक हो गया, इतना डेवलप हो गया कैसे, तो इसको जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। और इतिहास में क्या किया गया है, सबसे पहले स्टार्ट में ही मानव ने सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर, सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही मानव आश्रित था। आज अपने जैसे जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि स्टोन एज, मानव पहले हंटिंग करता था स्टोन से, तो क्या वो पहले से पत्थरों से, और आज मानव के पास इतने हथियार हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, इन्होंने इसे कैसे बनाया मानव ने, तो ये सबको जानने के लिए भी हमें इतिहास की आवश्यकता है। मानव ने जैसे खेती करना सीखा, खेती ही तो एक क्रांतिकारी कदम है, खेती की खोज ही एक क्रांतिकारी कदम है, जैसे ही खेती प्रारंभ हुई इतिहास में, तो मानव को स्थायित्व मिल गया, मानव एक जगह स्थिर हो गया, अब मानव एक जगह रहने लगा, घर बनाने लगा, उससे पशुओं की रक्षा करने के लिए आग जलाने का आविष्कार किया, धीरे 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 करके वो नगरों का विकास करने लगा, नदियों के किनारे रहने लगा, सभ्यताएं बनाने लगा, और आज नगरों एवं महानगरों का भी विकास मानव ने कर लिया है। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि मानव चांद और मंगल पे भी जमीनें खरीद रहा है, वहां भी घर बनाने का
के बारे में सोच रहा है। तो हमारी सभ्यता इतनी आगे कैसे पहुंची और क्या कैसे विलेज और क्या कहते हैं सिटीज और भी मेगा सिटीज मेट्रो सिटीज का विकास मानव ने किया, और ये भी हम जानेंगे। हम ये जानेंगे आज जिस लिपि में मैंने लिखा है, हिंदी लिखी हुई है तो ये देवनागरी लिपि है। तो किसी भी जब तक सबसे पहली बात की कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं समझा जाता है जब तक उस समाज को लिखना नहीं आता है। तो जो आज की भाषाएं हैं जिसमें हम लिख रहे हैं, तो इन भाषाओं को मनुष्य ने कैसे सीखा, मनुष्य ने कैसे जाना, ये कैसे डेवलप हुई, इसको जानने के लिए हमें इतिहास की आवश्यकता है। भाषाओं हिंदी इंग्लिश मराठी इन सब भाषाओं का विकास कैसे हुआ, कहते हैं संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की जननी है, विश्व की अधिकतम भाषाओं की जननी है। तो ये मतलब उस संस्कृत से आज भारत में ये भाषाएं कैसे प्रचलित हुई, इसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास की आवश्यकता है। और जैसा कि ये बोला जाता है कि मतलब जो भारत है हमारा इतना डाइवर्स है, और हम ये जानेंगे अब एक बात ये है कि कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है। भारत एक ऐसी सभ्यता है कि भारत की सभ्यता आज प्राचीन काल से चली आ रही है, आज के टिल डेट तक भारत की सभ्यता जीवित है और चल रही है और बढ़ ही रही है। भारत के समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, वो तीनों सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, पर आज हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता फिर भी टिकी हुई है। विदाउट डायवर्सिटी, इतनी डायवर्सिटी नहीं थी उनमें, वो इतने डाइवर्स नहीं थे, उनका लैंड भी इतना डाइवर्स नहीं था जितना भारत का है, जितना भारत की प्रजातियां डाइवर्स हैं, उतना डाइवर्स नहीं होने के बावजूद भी वहां की सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, पर भारत की सभ्यता बनी रहती है। वो एक क्या कहते हैं, एक शेर है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो बस यही तो हमारे इंडिया की बात है कि इतना डाइवर्स होने के बाद भी हमारा इंडिया आज बढ़ रहा है और डेवलप कर रहे हैं और आगे भी हम और आगे जाएंगे। तो यह जानेंगे कि इतनी विविधताओं के बावजूद हमारा देश कैसे एक यूनिफॉर्मिटी स्टैंड कर रहा है, कैसे स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि जहां पे आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम जैसे बगल अपने पड़ोसी का श्रीलंका का ही ले लेते हैं, वहां पर सिर्फ बेसिकली दो सेक्ट्स हैं, दो संप्रदाय पाए जाते हैं, फिर भी वहां गृह युद्ध की स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, पर भारत में इतने सालों से ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। विभिन्न प्रजातियां विभिन्न रेसेस के लोग भारत में आते रहे हैं, यूनानी तुर्क शक हूण आर्य ये सब आए और भारत में ऐसे मिंगल हो गए, ऐसे सम्मिलित हो गए कि आज उनको उनके ओरिजिनल रूप में पहचानना भी मुश्किल है। बहुत सारी ऐसे डिशेज हैं या फिर खाना व्यंजन ही है, ऐसा पहनावा है जिन्हें हम ये समझते हैं कि इंडियन है, बट वो बेसिकली कहीं और से आया हुआ है और अपने रूपांतरित स्वरूप में हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा क्या हमारे बीच में है, तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हमारे बीच में है जिससे हम अनेकताओं में अनेकता में एकता के सिद्धांत को बनाए रख रहे हैं। तो यह जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, और यह पॉसिबल हुआ है बहुत सारे राजा प्रारंभ में, बहुत सारे राजा भी हुए हैं जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और इधर ब्रह्मपुत्र से लेके सिंधु घाटी के उस पार तक, सिंधु नदी के उस पार तक के लैंड पर जिन राजाओं ने शासन किया है उन राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। इन्होंने जब शासन की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो चाहे समाज कितना भी बटा हुआ हो, बट जब शासन की पद्धति एक रहती है तो ये हम यूनिफॉर्मिटी फील करता है, पूरा साम्राज्य यूनिटी में रहता है क्योंकि वो एक शासन द्वारा संचालित हो रहा है। तो यह काम बहुत सारे राजाओं ने किया है, जैसा कि अशोक ने किया है, समुद्रगुप्त ने किया है, पुलकेशिन ने किया है, हर्षवर्धन ने किया है। इसी के साथ साथ इन राजाओं का भी भारत की एकता को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा योगदान है। और जैसा कि लैंग्वेज की बात हो गई, तो एक लैंग्वेज हुआ करती थी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा जो आम जन की भाषा हुआ करती थी प्राचीन समय में, संपूर्ण भारत में प्राकृत भाषा को बोला जाता था। संस्कृत तो एलीट क्लास की भाषा थी, उच्च वर्ग के लोग बोलते थे, बट सामान्य व्यक्ति जो बोलता था वो प्राकृत भाषा ही बोला करता था, और उसी भाषा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया करता था। यह संस्कृत और इसका इसको बाद में वैदिक काल के बाद तक ये चलती रही, और फिर संस्कृत भाषा भी, जैसे संस्कृत भाषा में बहुत सारे साहित्य भी रचे गए, और साहित्यों का भी भारत की एकता में बहुत ही योगदान रहा है। जैसे कि है हमारे एपिक रामायण एवं महाभारत, ये बेसिकली संस्कृत में लिखे गए, और ये पूरे भारत में उतने ही भक्ति भाव से पढ़े जाते हैं जितने कि उत्तर भारत में, ये संस्कृत में है। पर रामायण और महाभारत ये एक ऐसे साहित्य है जिनका हर भाषा में, हर लोकल लैंग्वेज में इनका डेवलपमेंट हुआ है, इनका विकास हुआ है, लिखे गए हैं और उतने ही भक्ति भाव से पढ़े जाते हैं। तो ये भारत को जोड़े रखने का काम करते हैं, और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे
आज की जैसे अब हम सामाजिक विषमताओं की बात करते हैं, सामाजिक विषमताओं में जैसे कि आ गई है हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कोई शूद्र है, छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। तो इसको जानने के लिए कर्मकांड क्यों फैलाया गया, ये कैसे स्टार्ट हुए, तो इसको जानने के लिए भी हमें, और ये ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ हिंदुओं में प्रचलित है, जो मुस्लिम या फिर जो क्रिश्चियनिटी वाले जो धर्म परिवर्तन के थ्रू हिंदू से मुस्लिम हो गए हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बन गए हैं, वो अपनी जाति वर्ण व्यवस्था को नहीं छोड़ पा रहे, वो अपने परंपराओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा इतिहास में प्रमाण मिलता है कि वो अपने जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो कर रहे थे, भले वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था पर वो अपने रिचुअल्स को आगे भी जाकर फॉलो कर रहे थे। तो यह व्यवस्था कहां से आ गई, और वर्तमान में वर्तमान की जो हमारी समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए, जैसे जाति व्यवस्था है, और क्या कहते हैं, जाति व्यवस्थाओं के कारण जैसे जैसे समाज तो बढ़ रहा है, विकास तो कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से नई नई चीजें आ रही हैं, बट हम जातिगत रूप से वहीं पर टिके हुए। यूरोप में भी सामंतवाद था, वहां के भी जो है तो गुलामों को खरीदा बेचा जा रहा था, वहां पे भी समस्याएं थी। तो यह सब क्यों स्टार्ट हुआ, और आज के प्रेजेंट में हमारे फ्यूचर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सबको जानने के लिए, इन सबको दूर करने के लिए हमें जो है तो इतिहास की आवश्यकता है। इतिहास को जानना है और एक अच्छा भविष्य बनाना है तो हमें इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए दयानंद सरस्वती, उन्होंने समाज को सुधारना चाहा, समाज को डेवलपमेंट चाहा, वो चाहते थे, वो बहुत विरोधी थे जाति व्यवस्था के, छुआछूत के विरोधी थे। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने बोला, उन्हीं का सेंटेंस है कि वेदों की ओर लौटो। तो वो वेदों की ओर लौटने से उनका क्या संबंध था, उनका संबंध था कि अपने अतीत में, अपना जो बीत गया, अपना भूतकाल, अतीत को देखो और जानो कि ये जो समस्याएं हैं ये तर्कसंगत नहीं है, ये जो हम विषमताएं समाज में लेकर चल रहे हैं ये तर्कसंगत नहीं है, ये विषमताएं गलत है, और हमें क्या कहते हैं इन्हें दूर करने के लिए हमें अपने इतिहास का अध्ययन आवश्यक है और जानना आवश्यक है कि ये समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर विभिन्न समाजों ने इसे कैसे दूर किया है। कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, लोगों के अंदर नई जागृति पैदा होनी चाहिए कि हमें इन चीजों का विरोध करना चाहिए और इन चीजों से